काम कर रहा है तो इधर आ जाइए, एक चेयर लीजिए उधर से, फोन आपका काम कर रहा होता तो ठीक है, एक चेयर यहाँ डालिए हमारे बगल में, हम आपकी बात दर्शकों तक रखें, बाकी किसी की सुन पाए कोई ना सुन पाए अलग बात है। जी आइए। पवन जी हमारे साथ हैं और अभी हम थोड़ी देर में मिश्रा जी को साथ लेंगे, हम मिश्रा जी को थोड़ा सा इंतजार करा देंगे। पवन जी क्या रही बातचीत आज, आप कोर्ट में रहे, मिश्रा जी के साथ रहे, संगठन पूरा जिस हिसाब से आपने आवाज लगाई उस हिसाब से संगठन 1 मिनट में आपके साथ आपकी आवाज पर खड़ा हो गया। अभी मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे आपके सामने कैसे आए हैं, इससे किसी को लेना देना नहीं होता, आपने दिन भर चाय पी, आपने 5 रुपया के लिए चाय वाले से लड़ाई लड़ी, आपने गाड़ी वाले से 100 रुपया की लड़ाई लड़ी, इससे भी किसी को लेना देना नहीं होता है, लेना देना होता है कि आप परिणाम क्या लाए, और यहीं आके हम सब मात खा जाते हैं, क्योंकि परिणाम के साथ साथ हमें उसका हौसला भी बढ़ाना पड़ेगा जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जाता है। अगर योद्धा ही हार गया तो जीतेगा कौन, लेकिन हम अपने योद्धा पे सवाल करते हैं कि आपने तलवार जरा टेढ़ी मेढ़ी चलाई, सीधी चलाई होती तो कई गर्दनें कट जाती, ये सब तब तय कीजिए जब तलवार आपके हाथ में हो और युद्ध आप लड़ रहे हो, फिर दूर बैठा आदमी आपको बहुत नेक सलाह देता है, लेकिन जब तलवार आपके हाथ में हो तब तलवार फिर सीधी नहीं चलती है, फिर आपको ये भी चिंता होती है कि मरने वाला कोई बेगुनाह न मर जाए, कोई बेगुनाह न फंस जाए, कोई बेगुनाह की जान न चली जाए, लेकिन दूसरे को ज्ञान देना बड़ा आसान है। पवन जी क्या रहा आज? नमस्कार बंधुओं, मैं सबसे पहले जो न्यूज कवरेज के संपादक हैं माननीय शिव कुमार मिश्रा जी, उनका आभार और धन्यवाद, और अपने साथियों का भी आभार और धन्यवाद। बंधुओं, हम लोग संघ के माध्यम को, संघ के नेताओं को देखते थे परिश्रम करते हुए, और एक आशा सी जगी थी कि शायद राज्य सरकार हमको कुछ बेहतर करेगी। इस आशा और उम्मीद में हम लोग लगे रहे, लेकिन परिश्रम करना हमारे साथियों का काम था, नेताओं का काम था, और फल देना माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सरकार का कार्य था। वो सफलता मिली नहीं मिली वो आप लोगों को सब जानकारी है। इस निराशा में हम बहुत दिनों से कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे हमारे बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनके जीवन जीने की, जो जीवन जीने की आस है, मान सम्मान से जी सके। इस आधार पर जब देवेश शर्मा की क्लेरिफिकेशन गई तो उसकी लंबे समय से हमने ओपिनियन ली, और ओपिनियन में ये पाया कि जब दो पार्टी का बंटवारा हो रहा है और न्याय और अन्याय की लड़ाई हो रही है, तो उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। क्योंकि उसी आधार पर हमारे साथ भी अधिकार, हमको अधिकार विहीन किया गया, और एक हमारे साथी जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी उसी नियमों के आधार पर ज्यादातर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी अपात्र घोषित किया है। यदि माननीय न्यायालय बहुत सारे ऐसे किसी की मर्सी के आधार पर, दया के आधार पर किसी के जीवन को बचाती है, तो फिर हमने सोचा कि हम, हमारा भी जीवन है, हम भी भारत के नागरिक हैं, और हमको भी इस न्याय में भागीदारी होना चाहिए। बंधु, बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करने के बाद बहुत सारे साथियों ने कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, तो फिर मैंने अपने जो संघ के साथियों से, सारे संगठन के लोगों से अपील की, और बहुत सारे लोगों ने अपील की कि मानिए यदि मैं अकेले अपने नाम से जाता हूँ फिर लोग याची बनेंगे, बहुत सारा नुकसान होगा, लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो संघ के माध्यम से अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे सारे लोग जो होंगे, चाहे वो टैट हो, चाहे वो नॉन टैट हो, चाहे वो 40-45 की लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे वो जो 69,000 भर्ती में सम्मिलित नहीं हुए और बाद में टैट पास किए हों वो भी, और जो समायोजित शिक्षक हुए हों वो भी, और जो समायोजित नहीं हुआ था वो भविष्य में उनका भी रास्ता खुलेगा। माननीय न्यायालय के पास बहुत अधिकार हैं। यदि मर्सी के आधार पर अगर डिसीजन होना है तो मर्सी के आधार पर हमारा भी हकदारी है। इस ओपिनियन को आज हम, कल निकले थे, माननीय अध्यक्ष जी ने, शिव कुमार शुक्ला जी ने हमसे बात की कि भाई ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है, हजारों लोगों की भावनाओं को हमने ध्यान में रखा, और ध्यान में रखकर आप हमारे बीच, जो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं माननीय मिश्रा जी, रमेश मिश्रा जी, उन्होंने हमसे फोन किया कि भाई आप दिल्ली आ जाइए। हम लोग दिल्ली निकल गए, हमारे साथ बिजनौर से और साथी जसवंत सिंह जी भी निकले। तो
हमने रात ही बात कर ली थी अपने एडवोकेट साहब से, तो उन्होंने रात भर काम कर उसकी जो ड्राफ्टिंग थी केस की वो बहुत सलीके के साथ की है। उसके बाद जो एसोसिएशन के एडवोकेट हैं माननीय गौरव यादव जी, उन्होंने भी उस ड्राफ्टिंग को देखा है, समझा है। अब इस पर कंसल्टेंट करना है, आपस में वार्तालाप करना है आज रात भर, कि इसमें कोई ऐसा क्लू तो नहीं रह गया जिससे हमें कोई आशा निराशा मिल जाए। तो और जो सीनियर एडवोकेट की ओपिनियन है उनसे चर्चा पूरी रात आज चलेगी, मॉर्निंग में चलेगी, और बेहतर अगर कुछ ऐसा निकलता है, और ऐसा ऐसा निकलता है कि हम लोगों को कुछ हिस्सेदारी मिल सकती है, तो हम इसको जरूर कल दाखिल करेंगे आईए को। और ये कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की भावना का मामला है, और ना इसमें कोई निराशा आएगी टेट की, ना नॉन टेट की आएगी, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं शिक्षा मित्रों के कि अगर उनको साथ हम कोई अंतिम अगर मर्जी किसी को सब कुछ मिल जाए, टेट वालों को भी नौकरी मिल जाए 69,000, और किसी को भी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अगर मर्जी मिले तो कम से कम कुछ भी ना मिले, लेकिन हमको माननीय चीफ जस्टिस जी या सर्वोच्च बेंच हमारी बात सुन ले कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे राज्य सरकार सुन ले या माननीय न्यायालय सुन ले, हम तो अपील ही करते रहेंगे। हमारा काम है निवेदन करना, और हम निवेदन करते रहेंगे। साथियों, हमारे पास खोने को अभी कुछ बचा नहीं है, और हमें पाना ही है, और पाना संघ के माध्यम से है, संगठन के माध्यम से है। तो कंट्रोवर्सी हमें आपस में पैदा ना हो, बहुत सारी क्लियरिफिकेशन जब हम इस पर डाल देंगे, जो ड्राफ्टिंग हुई होगी, जो उसमें टेक्निकल पॉइंट होंगे, उस पर बाद में सब डिस्कशन करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, पारदर्शी स्पष्ट तरीके से हम इस केस को लड़ेंगे। जो हमारा अनुभव है, जो हमारा पिछला अनुभव है, हम उसको इसमें अध्ययन करने के बाद और इस पर स्पष्ट और नीति नियत के साथ इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि जब हम कहीं मांग, कुछ ऐसे केस भी चल जाते हैं जहाँ कहीं डला मार दिया, लग गया निशाना तुक्के पर, तो प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और प्रयास हमको करते रहना चाहिए। ईश्वर जो है सबको देता है। तो हमारी तो साथियों, हमने कल ही कहा था कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। हमको सबकी खैर मांगनी है, ना हमारे अंदर हीन भावना आनी चाहिए, ना हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत आनी चाहिए। परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि भारत का संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान के विपरीत में रहते हैं। तो हम और हमारे संगठन के साथी, हमारे शिक्षा मित्र साथी, हम उनकी भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो हमको नकारात्मक क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, या अपने हित की बात करते हैं, और वो बहुत लोगों के हित की बात नहीं करते हैं। तो माननीय बंधु, मेरे शिक्षा मित्र, दोस्तों, प्रिय साथियों, आभार माननीय शिव कुमार मिश्रा जी का, आभार माननीय शिव कुमार शुक्ला जी का, आभार तमाम सारे साथियों का, रमेश मिश्रा जी का, तमाम जितने सीनियर साथी हैं, और मैं उन संघ के साथियों से भी, जो अन्य संघ के साथी हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि इस विषय पर आप भी निगरानी रखिए, आप भी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढिए, आप भी इसमें तर्क वितर्क करिए, लेकिन आप तथ्यों के आधार पर करिए, लॉजिकता के आधार पर करिए। जो हमारे अंदर कमी रह जाएंगी उसको दूर करने का प्रयास करिए। हम एक बेहतर रास्ता निकालना चाहते हैं, और बचना कुछ नहीं है, हमारे पास खोने को कुछ है नहीं सर, हमको पाना ही है। और कोई भी रास्ता मिले, लड़ाई के बहुत सारे मोर्चे होते हैं, कोई कोई न्यायालय से लड़ेगा, कोई सचिवालय से लड़ेगा, कोई किसी से निवेदन करेगा, ये सारी चीजें सर हम लोगों को करना ही है। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारे हमारे बच्चों की फीस, हमारे माँ बाप का साथ, हमारे पास हम इतना चाहते हैं कि बहुत लड़ाई लंबी हम नहीं जीत सकते, लेकिन हमारी संख्या बल इतना है कि अगर हम सूक्ष्म भी सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दे तो हम बड़े सहयोग के लाभार्थी हो जाएंगे। हम इतनी ताकत भी रखते हैं संख्या बल के आधार पर कि सर्वोच्च न्यायालय में हम अच्छे अच्छे एडवोकेट खड़े कर सकते हैं। अगर हमारी नीयत और नीयत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी, तो हम इस लड़ाई में अपने हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं। साथियों, इतना ही कहना हूँ, धन्यवाद। अभी कल कल को डिसीजन होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी हम रात में यहीं रहेंगे, और आज हमारी कनेक्टिविटी किसी से मेरे संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फोन यहाँ चला नहीं, दिल्ली में चला नहीं, और एक फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया। तो बंधु, मेरा निमित्त आभार एक बार शिव कुमार मिश्रा जी ने, रमेश मिश्रा जी ने फोन किया कि आप दिल्ली में आए हैं, मेरे घर पर आ जाइए 1 मिनट को। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति का बहुत आभार जो आपातकालीन में हमारी बात उठा रहे हैं, और
अपने घर पर बुलाकर चाय पिला रहे हैं। चलिए चलिए, चाय पिलाना कोई आसान नहीं होता है, ये सब आम जनमानस का काम है। ये है कि जो लोग नियमित हुए थे उस समय हुए, उनके अलावा जो लोग रहेंगे उनका क्या रहेगा, जो लोग उस समय बाकी रह गए, तो ऐसे में क्या जो ये कोर्ट आप जा रहे हो सब लोगों को लेके जा रहे हो, या फिर ये लटक जाएंगे बीच में जैसे पहले लटके रह गए। मैं अपने साथियों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग आनंद कुमार यादव केस 25 जुलाई से प्रभावित है। ये समायोजन करने का राज्य सरकार का आल शिक्षा मित्रों को था, समायोजन शिक्षा बनाने का राज्य सरकार का सब शिक्षा मित्रों को आदेश। कोर्ट की स्टे की वजह से वो अन्य लोग रहने, पहला था कि वैकेंसी नहीं थी खाली, इस वजह से हो गया, फिर कोर्ट का स्टे आ गया तो इस वजह से रह गया। अब अगर आनंद कुमार यादव ने सुना जाएगा या पुनः उसको कोई डिसीजन होगा, तो आल आप जितने भी शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो समायोजित हुए थे चाहे नहीं हुए थे, चाहे वो टेट पास है, टेट पास है तो और अच्छी बात है, लेकिन विषय यही है कि सारे लोगों को लाभ दिया जाएगा। मर्सी किसे बोलते हैं? मर्सी ऐसे नहीं है कि पवन को दे दिया, जसवंत को भी दिया, रमेश मिश्र को दे दिया, शिवराज को दे दी। मर्सी लोगों के जीवन बचाने की एक भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है कि भाई बहुत सारे लोगों का हित हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जीवन बचाने की लड़ाई है बंद हो गया। अब हमको नौकरी तो हम जो कर ली वो कर ली और जीवन बच गया, अब महत्वपूर्ण है कि हमको अपना जीवन बचाना है, और जीवन बचाने का कौन सा उत्तम रास्ता होगा ये माननीय न्यायालय बता दे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय बताए, या उत्तर प्रदेश न्यायालय बताए, माननीय योगी जी बताए। हमने बार बार निवेदन करने का मामला है, आपको जो है संगठित होकर बिना कंट्रोवर्सी के बिना आपस में एक दूसरे को टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि जो भी इस लड़ाई में इस आंदोलन में हमारी सहभागिता हो, कोई परिश्रम करता है, कोई आर्थिक रूप से सहयोग करता है, कोई शारीरिक रूप से सहयोग करता है, कोई बौद्धिक रूप से सहयोग करता है, कोई कोई मनोबल बढ़ाता है, इस आधार पर अगर आप लोग इस कार्य को बढ़ा लेंगे, बहुत आश्वासित हूँ, बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ, यही मेरा निवेदन है बंधु। आप ये निश्चित करिए कि जिनका समायोजन हो गया था वो आनंद कुमार यादव प्रभावी होगा, वो सबको होगा उत्तर प्रदेश में, तो ये कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग टेट पास हो गए उनके केस में बाधा पहुंचा सकते हैं, मैं कहता हूँ बंधु हम किसी के केस में बाधा पहुंचा ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 40-45 को दे दें, जो 69,000 भर्ती में 40-45 सम्मिलित नहीं थे उनको भी दे दें। हम तो ये कह रहे हैं कि समाज शिक्षकों को भी दे दे, हम ये कह रहे हैं कि जो समाज नहीं हुआ उनको भी दे दे। मर्सी मानवीय आधार है नैतिकता का, इसलिए अगर हम पार्टी नहीं होंगे, हम आइए के उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, और हम मजबूत पैर भी नहीं कर पाए तभी हमारी बात नहीं सुनी होगी। इसलिए मैंने संघ के लोगों से निवेदन किया कि बंधु हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये बहुसंख्यक लोगों का मामला है, आप इसको देख लीजिए। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। मैं तो अन्य लोगों को भी कह रहा हूँ, जो अन्य लोग वो अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन संस्था के लोग हैं, कि इसकी निगरानी करिए और इसमें साथ और सहयोग करिए। भविष्य क्या होगा निर्णय तो माननीय कोर्ट को करना है, हमें किस बात की फिक्र, हमें तो हाथ जोड़ कर खड़े रहना है, न्यायालय माननीय एडवोकेट साहब के साथ बंधु हमारा जीवन बचा लीजिए, हमारा जीवन बचा लीजिए, यही हमसे निवेदन है। बंधु मैं यही कहूंगा कि आप साथ और आपका सहयोग हमारे लिए, आपके लिए हमारा जीवन दे सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश करा, निवेदन करा, लोगों से सहयोग की अपील करी। अभी कोई ऐसा केस नहीं आया था जिस केस में हम लोग अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते थे, तो ऐसा एक अवसर मिला है, इसके बाद फिर हमको दूसरा अवसर मिलेगा, हमको तीसरा अवसर मिलेगा, ये मैं बहुत सारी बात खुलासा करूंगा संगठन के साथ मीटिंग में। तो अगर लोग मुझे मेरा विचार रखेंगे, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप वरिष्ठ लीडर हैं सारे संगठन के, मुझे भी इसमें थोड़ा सा भागीदारी दे दें, तो बस बाकी करना तो आप ही है, संगठन ही करेगा, हम एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी हम सब होगा हम इनका सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। इसी निवेदन के साथ सबको हमारी नमस्कार बंधु, आपका आशीर्वाद और प्रेम बने रहे, इस आशा और विश्वास के साथ हमारे सबको प्रणाम। पवन जी ने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ एक कमेंट बड़ा है, और मैं मिश्रा जी से भी कहूंगा, पवन जी से भी कहूंगा
सब लोग चाहते हैं कि मृतक शिक्षा में साथियों की सूची भी जरूर लगाएं, ताकि अगर कुछ हो तो उनका भी कहीं कंट्रीब्यूशन बना रहे। और इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये भी दिख रहा है क्या ऐसा किया जा सकता है। तो कोई भी इस पे नहीं हटेगा, क्योंकि जहां भी जिस साथी का नाम हो सकता होगा ना, उनका जाएगा ना, भगवान जी का जाएगा, क्योंकि न्याय अगर उनको मिलेगा तो आत्मा को शांति मिलेगी। लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों में हजारों की तादाद में शिक्षाविद इस दुनिया से निकल लिया, और अब बड़ी समस्याएं आ रही हैं लोगों की। हालांकि अभी रमेश मिसाई से बातचीत हुई, पवन जी से बातचीत हुई, और अब हम आप सबसे विदा लेंगे। इसी के साथ कल फिर हाजिर रहेंगे, शाम तक जब ये कोर्ट की पूरी डिटेल लाएंगे। नमस्कार।